भोजपुरी में निधि झा का नाम हॉट और ग्लैमरस अभिनेत्रियों में गिना जाता है। निधि भोजपुरी में लूलिया नाम से जानी जाती हैं। अपनी छोटी सी उम्र में ही निधि ने एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। अपने छोटे से करियर में ही निधि ने अपनी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग तैयार कर ली है। आपको नहीं पता तो हम आपको बता दें कि निधि के पिता फिल्म लाइन से ही बिलोंग करते हैं और अपने पिता के साथ ऐसे ही वो बचपन में सीरियल के सेट पर जाया करती थी। यहाँ एक बात आपको और बतानी जरूरी है। बात ये कि निधि बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहती थी और उनके माता पिता भी उन्हें डॉक्टर ही बनाना चाहते थे। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि निधि जब डॉक्टर बनना चाहती थी तो वो एक्टर क्यों बन गई? तो हम किस लिए हैं जनाब? हम आपको बताते हैं कि निधि डॉक्टर तो बनना चाहती थी, डॉक्टर बनते बनते वो एक्टर कैसे बन गए? तो चलिए, जैसे हमने आपको पहले ही बता दिया कि निधि अपने पापा के साथ सीरियल के सेट पर जाया करती थी, ऐसे ही एक दिन निधि अपने पापा के साथ सब टीवी के एक फेमस सीरियल के सेट पर गई। वहाँ अचानक से उनके पापा ने उन्हें कहा कि बेटा, क्या आप एक छोटी सी एक्टिंग इस सीरियल में कर सकती हैं? जिस किरदार की उनके पिताजी उन्हें एक्टिंग करने के लिए कह रहे थे, वो किरदार उस दिन अब्सेंट था। निधि ने झट से सिर हां में हिला दिया और वो पहुंच गई उस किरदार को जीवंत करने। जैसे ही निधि ने उस किरदार के लिए अपनी एक्टिंग शुरू की, वो फर्स्ट टेक में ही ओके हो गया, यानी कि एक शॉट में ही निधि ने अपने एक्टिंग का सारा धमाल दिखा दिया और एक टेक में ही वो शॉट ओके कर दिया। ये देखकर उनके पापा बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए कि बेटी के अंदर तो इतना बड़ा एक्टिंग का हुनर है। और तब से उनके पिता ने ठान लिया कि बेटी डॉक्टर से अच्छा एक्टर बन सकती है। तब से उनके माता पिता ने उनके एक्टिंग करियर को सही दिशा देने में जुट गए। निधि की माँ और पिता की कड़ी मेहनत का नतीजा ही है कि निधि ने बहुत कम उम्र में ही बहुत लोकप्रियता हासिल कर ली है। जहाँ निधि अपने पापा को आदर्श मानती है, वहीं अपनी माँ को अपनी दुनिया मानती है। निधि के करियर और उनके जीवन से हर उतार चढ़ाव में उनकी माँ का पूरा सहयोग होता है। माँ की सहमति के बगैर वो कोई भी बड़ा डिसीजन अपनी लाइफ में नहीं लेती। निधि का मुंबई में भरा पूरा परिवार है, माता पिता हैं और साथ ही दो छोटे भाई हैं। आज निधि जिस मुकाम पर है, इस मुकाम पर आने पर वो अपने लोगों का थैंक्स कहना नहीं भूलती। सत्या की ये लूलिया भोजपुरी जगत में ऐसे ही बढ़ते रहे, यही हमारी कामना है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।